बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो ये हम वीडियो बना रहे हैं इसमें आपके साथ 80 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, 85 सॉरी, जिसमें अनीस हुसैन का पेपर है और कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो बच्चों ने कही थी। अच्छे एमसीक्यूज़ लगे मुझे, तो मैंने कहा वो आपसे हम डिस्कस करते चलें। शुरू करते हैं बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि वीडियो छोटी हो और आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो। और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है आपने कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। पहला जो एमसीक्यू है उसमें पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर में, एल्युमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द, एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड से क्यों रिएक्शन नहीं करता, बाकी मेटल्स तो कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। एल्युमिनियम की सरफेस पर फौरन से ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है एल्युमिनियम के साथ फर्दर रिएक्शन, ठीक है जी, सॉरी, नाइट्रिक एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि नाइट्रिक एसिड जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है एल्युमिनियम के साथ उसके सरफेस पर एक लेयर बन जाती है। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4S ऑर्बिटल। 3D और 4S ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है जनाब, अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। इन एमसीक्यूज का पीडीएफ लिंक आपको इंशाल्लाह ताला हम ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, फॉर्मल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो फॉर्मलिन कहलाता है। वैसे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन होना चाहिए था क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मलिन कहलाता है, दिस कंपाउंड लिखा हुआ है तो वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। In transition element, orbital which is responsible for the complex formation in their compounds are d orbital. Ionic hydrides क्या होते हैं? Colorless होते हैं, non-volatile salt-like solids. Nitric acid gives laughing gas when it reacts with magnesium. Which of the following is a coolant hydride? H2S. अच्छा, इसमें पांच ऑप्शन है, पांच ऑप्शंस पेपर में नहीं होते, पेपर में चार ऑप्शंस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, इन डाउन्स प्रोसेस इट इज रिड्यूस्ड टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग कैल्शियम क्लोराइड। द अल्कली मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कली मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज फर्स्ट पीरियड। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एनायन, एनायनिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लेफ्ट साइड पे बाहर कोई पॉजिटिव आयन लगा हो, दिस वन, ठीक है जी, तो ये है एनायनिक। एनायन की पहचान क्या होती है? तो लेफ्ट साइड पे कोई पॉजिटिव आयन लगा होता है लाइक पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम, या फिर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, 12 की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन Z26 है तो D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s2 3d6, this is the answer because आपके पास एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के देख लें। लीड दिस मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड पोटेशियम, तीन एलिमेंट्स हैं जो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। हाइड्रोजन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ऑफ दीज, +1 जब नॉन मेटल के साथ हो, -1 जब मेटल के साथ हो, और 0 जब हाइड्रोजन जो है वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज इज 14। लैंथेनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं और एक्टिनाइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं। ऑल नोबल गैसेस फुलफिल द ऑक्टेट रूल, all noble gases fulfill the octate rule except, सारी noble gases octate rule को fulfill करती हैं सिवाय helium। The elements of same group have the same number of valence electron, valence electron के मायने होते हैं outermost shell के electron, इनके valence electrons जो होते हैं outermost shell के electrons होते हैं वो same होते हैं। Elements belonging to the same group in the periodic table are calcium and beryllium, both belongs to group 2A. The process of covering iron shields by a layer of zinc is known as galvanizing. The element solid at room temperature and pressure is iodine. Element in a given period have the same. किसी भी period के अंदर जब element होते हैं तो उनके अंदर
नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और शेल्स कांस्टेंट का मतलब उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है जी। व्हेन अ ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड बट डज नॉट फॉलो अ स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है लेकिन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा कंपाउंड क्या कहलाता है बेटे? चैप्टर नंबर 5 इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहलाता है, और चैप्टर नंबर 2 में इन्हीं को हम इंटरस्टीशियल हाइड्राइड्स या मेटालिक हाइड्राइड्स के नाम से भी पढ़ते हैं। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे कंबाइन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। द हीट जनरेटेड एन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च हैविंग अ फ्लेम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 4000 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, रिकॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका जवाब जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ 2। हाइड्रोजन क्योंकि कंबाइन होते हैं इसमें, तो एटॉमिक हाइड्रोजन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनती है, और बॉन्ड का बनना जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तभी उसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। इट गिव मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम ऑन बर्निंग लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है बेटे वो 4 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, जबकि लिपिड्स जो होते हैं वो 9 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, तो ये मैक्सिमम एनर्जी देंगे। द एनिमल स्टार्च इज, एनिमल का पॉलीसेक्राइड या स्टार्च ग्लाइकोजन कहलाता है। CH3CH2I plus KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus KI plus, अच्छा जी KI के साथ यहाँ क्या बनेगा बेटे, इसमें से KOH ने क्या किया है, H निकाला है और I निकाला है, तो उसका K जो है वो I के साथ मिलके KI बन गया, बाकी जो H और OH मिलेंगे वो वाटर बनाएंगे। इंटॉलेंस रिएजेंट द एंड प्रोडक्ट इज सिल्वर मिरर, टॉलेंस टेस्ट जब एल्डिहाइड के साथ होता है तो सिल्वर मिरर बनता है। मिथाइलेटेड स्प्रिट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज डैश हाइब्रिडाइज्ड sp2, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, ये आ गया जी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। द स्वीटेस्ट शुगर इज, सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है जनाबे वाला, फ्रक्टोज होती है। मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन टू गिव 3 डिग्री अल्कोहल, देखो एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से तो 1 डिग्री, और किसी भी कीटोन से तो 3 डिग्री अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज CnH2n plus 1x। द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग इथेन, नहीं इथीन होगा यहाँ पे, मिसप्रिंटिंग हो गई होगी इनसे, विथ सल्फर मोनोक्लोराइड इज मस्टर्ड गैस, सॉरी यहाँ पे हाथ थोड़ा स्लिप हुआ है। दिस गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में इथाइन यूज होता है क्योंकि इससे ऑक्सी एसिटाइलीन फ्लेम बनता है जिसका टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, आयोडोफॉर्म का होता है CHI3, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ब्लड कैंसर कौन कॉज करता है जी, बेंजीन कॉज करता है। A carbon atom having a positive charge is carbonium ion. Positive ions के नाम में EM आता है, तो carbon से carbonium, benzene से benzonium, oxygen से oxonium. Ethylene is used as in anesthesia, बिल्कुल, ripening of fruits, जी, preparing mustard gas, जी, सब सबके सब ठीक हैं, तो all of these इसका जवाब है। Dimethyl ether and ethyl alcohol are, alcohol और ether कौन से isomers होते हैं, दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर डैश आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, राइट। द कंपाउंड 1-butene and 2-butene, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, तो दे आर पोजिशन आइसोमर्स। सो दिस इज इट about Anis Hussain comprehensive examination 2020-21. उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, इसके MCQs complete हो गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, नहीं ठीक है, बाकी जो मैंने आपसे कहा था मजीद MCQs को मैं अलग वीडियो में बना के डाल देता हूँ, वरना ये अपलोड होने में टाइम लग जाता है। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। अल्लाह हाफिज़।